आज के इस नए वीडियो में मैं अक्षय आचार्य जी आपका दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को गणित हल करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही चर्चा करेंगे। देखना, सबसे पहले जो समस्या होता है इनको संख्या पर, संख्या या अंक, ध्यान देना, संख्या या अंक। तो याद रखना, संख्या और जो अंक है दोनों एक ही चीज होता है। अब बहुत सारे बच्चों पूछते हैं कि संख्या कितना होता है, तो कोई बच्चे बोलते हैं 100, कोई बोलता है 1000, कोई बोलते हैं अनंत। तो याद रखना, संख्या केवल 10 होता है, 0 से लेकर 9 तक। ध्यान देना, संख्या केवल 10 होता है, 0 से 9 तक। यहां से हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो है कुल 10 होता है। तो देखो संख्या कितना होता है, कुल 10, कहां से कहां तक, 0 से 9 तक, और टोटल हो गया 10। बाकी जो भी संख्या बनता है इनको मिलाकर ही बनता है। जैसे देखना, हम बनाएंगे यहां पर, जैसे मान लिख दिए 100। देखो एक अंक है, 0 भी अंक है और 0 भी अंक है। देखो जो 100 बना है इन्हीं से मिलकर बना है। मान लिखते हैं 3142। देखो 3 अंक है, 1 भी 1 अंक है, 4 अंक है और 2 अंक है। जो 3142 है इन सबसे मिलकर ही बना है। तो बाकी जितना भी अंक बनेगा अनंत तक, वो सब इनसे मिलकर ही बनेगा। तो याद रखना, गणित में टोटल अंक कितने होते हैं, 10। जैसे अंग्रेजी में लेटर कितने होते हैं, 26, और हिंदी में वर्णमाला कितना होता है, 52। तो वैसे ही गणित में अंक कितने होते हैं, 10। क्लियर हुआ इतना? तो ध्यान देना, अच्छे से याद रखना, गणित में अंक कितने होते हैं, कुल 10, कहां से कहां तक, 0 से 9 तक। क्लियर हो गया इतना? देखो आगे देखेंगे, संख्या के प्रकार पर चर्चा करेंगे। अभी पढ़े संख्या कितना होता है, कहां से कहां तक होता है। अभी देखेंगे संख्या का प्रकार कहां होता है, कितना कितने प्रकार का होता है। तो मेन इसी से गणित का शुरुआत होता है। ध्यान से इसको देखना, इसका जो प्रकार है, याद रखना संख्या जो है दो प्रकार का होता है। संख्या दो प्रकार का होता है, पहला होता है वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। ध्यान से देखिए, देखो संख्या कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। तो यहां पर देखो, इसको पूरा विस्तार से बता रहा हूं, एकदम डिटेल। फिर उसके बाद देखना वास्तविक संख्या, भी दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या ये होता है पहला, इसका परिमेय होता है परिमेय संख्या, और जो दूसरा होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद परिमेय संख्या भी दो प्रकार का होता है, पहला पूर्णांक, और दूसरा होता है वो भिन्न होता है। ध्यान से रखेंगे, उसके बाद पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक, उसके बाद धनात्मक पूर्णांक को देखते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, ध्यान से देखोगे बहुत ही काम का चीज है। जो धनात्मक पूर्णांक है इसका प्रकार है, इसका है पहला है प्राकृत संख्या, उसके बाद है पूर्ण संख्या, फिर है उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या,
उसके बाद है भाज्य संख्या, फिर है अभाज्य संख्या और है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या ध्यान देना, बहुत ही एकदम काम का चीज आपको बता रहा हूं। इसको अगर आप समझ गए तो आपसे गणित एकदम आसानी से बनेगा, कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो ध्यान देना, संख्या का जो प्रकार है, संख्या दो प्रकार होता है, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। उसका जो वास्तविक संख्या है वो दो प्रकार का होता है, पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या दो प्रकार का होता है, पहला पूर्णांक और दूसरा भिन्न। फिर पूर्णांक दो प्रकार का होता है, पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद धनात्मक पूर्णांक के बहुत सारे प्रकार है, देखो पहला प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा सम संख्या, चौथा विषम संख्या, पांचवा भाज्य संख्या, छठवा अभाज्य संख्या और सातवा सह अभाज्य संख्या। तो ध्यान देना, ये सब क्या है, संख्या के प्रकार है। अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, ये सब चीज क्या क्या होता है।